on day after day, Mr. Holmes, said Mr. Wilson. And the Saturday, I got my salary. It was the same next week, and the same the week after. After a few days, Mr. Duncan Ross came in only once in a while, and after a time, he did not come in at all. Mr. Wilson continued, 8 weeks had passed like this, and I had written about Abbott's, Archie, etc., and hoped that I might get on to B soon. And then suddenly the whole business came to an end. To an end? Holmes asked. Yes, sir. This morning I went to my work as usual at 10 o'clock, but the door was shut and locked with a little note nailed on it. It said, the red-headed leaf is dissolved. October 9, 1880. I was shocked. I did not know what to do. Mr. Wilson went on with his story. I made inquiries at the nearby offices, but none of them knew anything about the leak. The rooms had been rented under a false name. I went home and asked my assistant Spaulding for advice, but he could not help me in any way. I want to find out about the leak, Mr. Holmes, who they are and why they played this prank upon me. The whole thing is a mystery. That is why I came to you. I have heard a lot about you. Holmes found Mr. Wilson's story very unusual. He asked Mr. Wilson, this assistant of yours who first called your attention to the advertisement, what is he like? Small, stout, with no hair on his face. He has a white splash of acid on his forehead. I thought as much, said Mr. Holmes. Is he still with you? Oh, yes, sir. That will do, Mr. Wilson. I can give you my opinion on this subject in a day or two. Today is Saturday, and by Monday, we may come to a conclusion. स्टोरी के इस अगले हिस्से के अंदर मिस्टर विल्सन बताते हैं कि उनका ये इंसाइक्लोपीडिया को कॉपी करना डे आफ्टर डे एक के बाद दूसरे दिन ऐसे ही चलता रहा. फिर सैटरडे के उनको 2 बजे बराबर उनकी सैलरी मिस्टर डंकन रॉस देते थे. फिर ऐसा ही हफ्ता, फिर उसके बाद वाले हफ्ते में ऐसे ही चलता रहा. और कुछ दिनों के बाद में मिस्टर डंकन रॉस के वंस इन अ वाइल, पहले वो रोजाना रहते थे, बाद में कभी कभार आने लगे, और बाद में तो बिल्कुल ही आना उन्होंने बंद कर दिया. और ऐसा 8 वीक्स, 8 हफ्तों तक चलता रहा. और वो बताते हैं कि मैंने जो कॉपी करना शुरू किया था उसमें एबर्ट्स, आर्चरी और वगैरह वगैरह उन्होंने लिखना कॉपी कर चुके थे उसके अंदर. और वो उम्मीद कर रहे थे कि अब वो बी पर आएंगे, बी पर पहुंचेंगे. फिर अचानक से सभी मामला पूरी तरह खत्म हो गया. मिस्टर होम्स ने पूछा, टू एन एंड, अचानक से खत्म हो गया? तो बोले हाँ, इस दिस मॉर्निंग, आज सुबह जब मैं अपने ऑफिस गया रोजाना के अपने काम को, तो मैंने ऑफिस का जो दरवाजा था वो लॉक था, और उस पर एक नोट यानी हिदायत नेल्ड की हुई थी, नेल्ड यानी किले में ठुकी हुई थी, और उस पर लिखा हुआ था, द रेड हेडेड लीग इज डिसॉल्व, यानी कि रेड हेडेड लीग को खत्म कर दिया गया है. और तारीख थी 9 अक्टूबर 1880. मुझे तो इसका सदमा हुआ, आई वाज शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है. मैंने वहाँ पर आसपास के जो ऑफिसेज थे मेरे ऑफिस के बाजू की, तो वहाँ इंक्वायरी की, मालूमात ली उनसे, तो किसी को कुछ पता नहीं था. तो बाद में पता चला कि फॉल्स नेम यानी कि झूठे नाम पर, गलत नाम के ऊपर जो है तो ये किराए पर लिया गया था इस ऑफिस को, और इससे तो मुझे शदीद सदमा हुआ है. फिर मैं अपने घर आया. घर पर आने के बाद घर दुकाने की जगह पर थी मिस्टर विल्सन की, वहाँ पर उनका असिस्टेंट स्पॉल्डिंग से उन्होंने पूछा, इस बारे में बताया, तो उसने भी वो मेरी कोई ज़्यादा इसमें मदद नहीं कर सका, कोई सही मशवरा एडवाइस नहीं दे सका. तो फिर मैं अब आपके पास आया हूँ. मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि ये कौन लोग है, ये लीक किसकी है, इसको किसने जो है तो शुरू किया, और उन्होंने मेरे ऊपर ये प्रैंक क्यों खेला. प्रैंक एक प्रैक्टिकल जोक को कहते हैं. उन्होंने मेरे साथ ऐसा मजाक, भद्दा मजाक क्यों किया, ये मैं जानना चाहता हूँ, उसके बारे में जानना चाहता हूँ.
और मिस्टर शर्लॉक होम्स जो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर है उनको भी ये स्टोरी अनयूजुअल लगी। अनयूजुअल यानी ये डिफरेंट, दूसरों से हट करके ये लगी इसके बारे में। तब फिर मिस्टर शर्लॉक होम्स ने सिर्फ एक सवाल किया उनसे कि आपका असिस्टेंट स्पॉल्डिंग जो है तो क्या वो अभी आपके साथ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे साथ है। क्या वो व्हाट ही किसके जैसा दिखता है, यानी उसकी अपीयरेंस कैसा है? उन्होंने कहा कि वो स्मॉल, छोटा, स्टाउट, यानी कि थोड़ा मजबूत कदोकामत वाला शख्स है जिसके चेहरे पर कोई बाल नहीं है और उसकी पेशानी, फोरहेड, पेशानी के ऊपर स्प्लैश, छीटा, एसिड स्प्लैश का निशान है, एसिड के छीटे का एक वाइट कलर का निशान उसकी पेशानी के ऊपर है। ये सुनने के बाद मिस्टर होम्स कहते हैं कि ठीक है, इतना काफ़ी है, क्या वो अभी आपके साथ में? उन्होंने कहा कि आप भी मेरे साथ में ही हैं। मिस्टर विल्सन ने कहा कि ठीक है, मैं एक दो दिन के बाद आपको अपनी राय, इब्तदाई राय, अपना ओपिनियन आपको मैं दे सकता हूँ। आज जो है तो सैटरडे है, मैं मंडे तक, हम इंशाल्लाह मंडे तक हम किसी कंक्लूजन या नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे। और ये कहकर के यहाँ पर हमारा पार्ट वन मिस्टर विल्सन स्टोरी खत्म होती है।